कोरोना का नया अफ्रीकी वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। बर्तानिया और बेल्जियम के बाद जर्मनी और इटली में ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट। यूरोप और अरब ममालिक के बाद पाकिस्तान ने भी 6 अफ्रीकी ममालिक पर परवाजें बंद कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कई हफ्ते बाद पता चलेगा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कितनी मौसर हैं। डॉक्टर फाउची कहते हैं अमरीका में भी ओमिक्रॉन के केसेस हो सकते हैं। कोरोना वायरस की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के वार, एहतियात और हिफाजती इकदाम उठाए जाने लगे। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिस, केसेस रिपोर्ट होने पर बरतानिया, चेक रिपब्लिक और जर्मनी समेत कब्रस, नेदरलैंड्स ने अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने मास्क लाजमी करार दे दिया। बेल्जियम समेत दीगर ममालिक में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी। मुल्क में कोरोना की लहर, मजीद 5 अफराद जाँ बहक, तादाद 28,709 हो गई। 303 नए केसेज रिपोर्ट, मुस्बत केसेज की शरह 0.81 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कातिल दौर ने एक और जान ले ली। 19 साल सर ड्यूटी से घर जाते हुए जाँ बहक हुआ। CCPO का पतंग के कारोबार से मुंसलिक अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। जहरीले धुएं से फजा आलूदा, स्मॉग में दिल्ली सरे फहरिस्त, लाहौर दूसरे नंबर पर। मुल्क के बेशतर शहरों में धुंध, मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध की वजह से बंद। ड्राइवर्स को गैर जरूरी सफर, फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। चिटागांग टेस्ट में खेल का तीसरा रोज, पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। आबिद अली की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक नेस्ट सेंचुरी बनाकर आउट। बाबर 11 को बर्तरी खत्म करने के लिए 166 रन दरकार। बांग्लादेश पहली इनिंग में 330 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के तहत मुकाबले, तीनों मुसल्ला फौज, रेंजर्स और ASF के 2,500 फाइटर्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक इंटर सर्विसेज मुकाबलों में पाकिस्तान फौज ने तीनों मुकाबले जीते। मुल्तान कोर पहले, मंगला कोर दूसरे नंबर पर रही। सिविल आर्म फोर्सेस कैटेगरी में ट्रॉफी पंजाब रेंजर्स ने हासिल की। और छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर। साहबजादा सुल्तान फिर फास्ट एंड फ्यूरियस साबित। 3 किलोमीटर का फासला तेजी से तय करके मैदान मार लिया। आज प्रीपेड कैटेगरी के लिए रेसर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।